हेलो फ्रेंड्स, आस्था की रसोई में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, शिमला मिर्च की सब्जी तो आपने बहुत बार खाई होगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े की रेसिपी की वीडियो लेकर आई हूँ। आप मेरी तरह एक बार शिमला मिर्च का पकोड़ा बना के देखिए, यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 शिमला मिर्च लिया है। इसको मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। सबसे पहले हम इसके बीज से काट लेंगे और इसके बीज को निकाल देंगे। अब हम शिमला मिर्च को बारीक बारीक काट लेंगे। इसी तरह हम दोनों शिमला मिर्च को काट कर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं, इसे ना तो बहुत ज़्यादा मोटा ही काटना और ना तो बहुत ज़्यादा पतला ही। अब हम इसके घोल को तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है एक बर्तन। इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी चावल का आटा, 1 कटोरी बेसन और 1 कटोरी मैदा। इसी में हम डालेंगे 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच जीरा, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, बारीक कटी हुई हरी धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसके घोल को तैयार कर लेंगे। इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसके घोल को अच्छे से तैयार कर लेंगे। घोल हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ढक्कन लगाकर 8 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। 8 से 10 मिनट हो चुका है। अब हम ढक्कन हटाकर इसको एक बार फिर से चलाएंगे। चलाने के बाद इसी में हम एक एक करके शिमला मिर्च को डाल देंगे और फॉक की मदद से इसके घोल में हम शिमला मिर्च को अच्छे से मिक्स करेंगे। इधर मैंने कढ़ाई में तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम एक एक करके शिमला मिर्च को डालेंगे। एक बार में जितना इसमें आएंगी उतना डालकर इसको हम एक साइड अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। यह एक साइड अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे पलट कर दूसरी साइड भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हमें मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। यह अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी बचे शिमला मिर्च को भी फ्राई करेंगे। एक एक करके फिर से हम कढ़ाई में डाल देंगे। सारी शिमला मिर्च को मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसे एक साइड अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। एक साइड अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे पलट कर दूसरी साइड भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी पकौड़ा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, शिमला मिर्च का टेस्टी पकौड़ा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकती है, देखने में ही कितना बढ़िया और लाजवाब है। खाने में तो और भी टेस्टी है। आप इसे हरी चटनी या लाल चटनी किसी के भी साथ बहुत ही स्वाद से खा सकते हैं। आप मेरी तरह एक बार शिमला मिर्च का पकोड़ा बना के देखिए, यकीन मानिए आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।